प्रिय दर्शकों, मैं हूं सहज, आप देख रहे हैं जेबीएम टीवी कन्नड़। प्रणाम के साथ आपको मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने एक वीडियो वायरल की थी, क्योंकि वो कन्नड़ में था। कन्नड़ में होने की वजह से आप लोगों को हिंदी समझ में आ नहीं रही थी। हिंदी में वो ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत जनों की ये मांग थी कि वो वीडियो ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाए, इसीलिए हमने वो वीडियो दोबारा उसको प्रसारण कर रहे हैं। वो वीडियो एक ऐतिहासिक बन गया है। वो क्या है कि आजकल हमारे देश में बहुत से त्यौहार उत्सव मनाते हैं, उस त्यौहार में उत्सव में क्या क्या होता है इसके बारे में हम बताते आए हुए हैं। वो कर्नाटक में जो भी होता है हम दिखाते रहते हैं। ये हमारा गांव का एक वीडियो है जो प्रसारण हुआ है, वो क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये क्या है कि ये भारत देश में एक कर्नाटक राज्य, आप सभी जानते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में एक बेलगाम जिला है, वो बेलगाम जिले को आप एक सक्करे नाडु बोल के भी पहचानते हैं इसको, उसको कुंदनगरी के नाम से भी जानते हैं। उसी जिले में एक तहसील है वो रामदुर, वो रामदुर तालुका तहसील रामदुर में एक स्कूल है बीवीवी संघ का स्कूल। उस स्कूल में ये मनाया गया एक ऐतिहासिक त्यौहार। वो त्यौहार का क्या मतलब है, क्या नमूना है, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन ये बंधन किस तरीके से बंधन बांधा गया, ये क्या है, ऐसे आजकल स्कूलों में देखते हैं कि बहुत से अनहोनी कार्यक्रम भी होते रहते हैं, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, इसका आप टीवी में वगैरह वार्ता में वगैरह देखते रहते हैं। मगर इस स्कूल के अंदर एक ऐसा भी कार्यक्रम हुआ है जो इंसान को इंसानियत से जोड़ कर रखता है और अपने एक दूसरे को भाई बहन के बंधन में भी जोड़ कर रखता है। ऐसा कार्यक्रम चलाया है वहाँ के प्रिंसिपल हसूर, जिनका नाम हसूर है, वो प्रिंसिपल है। वो क्या त्योहार है आप हमारे साथ देखिए। प्यारे दर्शकों, एक रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन ये ऐसा बंधन है जिसे एक डोर बांधने के साथ इंसान उसके पीछे हमेशा रक्षा के लिए लग जाता है, चाहे वो भाई हो या वो भाई बहन के लिए हो, माँ बच्चे के लिए हो, ये किसी का भी बंधन। ये मतलब रक्षाबंधन का एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक बार पवित्रता का संकेत दिखाता है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। वो क्या है जिम्मेदारी, स्कूल में बच्चे आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब ने तो बताया कि पहले उन्होंने अपने स्टाफ के साथ बात की कि हम क्या कर सकते हैं इस रक्षाबंधन के लिए, तो स्टाफ लोगों ने पूरे मिलकर एक सलाह मशवरा किया, उसके बाद ये त्यौहार मनाने का मन बना लिया। तो दूसरे दिन बच्चे आ गए, आ जाने के साथ सभी बच्चों से ये कहा कि जिसके भाई है जिसके भाई नहीं है वो ये घर के बाहर स्कूल में आ गए तो अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को अपना भाई समझ सकते हैं। जो लड़के हैं जिनकी बहनें नहीं हैं वो अपने साथ में सीखने शिक्षा सीखने वाली लड़की को बहन बना सकते हैं। ये बहन भाई और बहन का रिश्ता इतना अटूट बन गया है कि यहाँ के सभी छात्र इसमें जाति धर्म भेद भाव ऊंच नीच किसी भी प्रकार का सबको दूर रखे एक दूसरे को राखी बांध कर एक दूसरे की रक्षा करने की कसम खाई है। और ये संस्कृति भी ऐसी संस्कृति है, देखिए कि लड़के ने आजकल के जमाने में देखते हैं आप कई कई केसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ नफरत और वही कुछ भी आपने देखा है, मगर यहाँ का एक माहौल अलग बन गया है। अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल में लाके खड़ा कर देते हैं कि वो अपने परिवार के साथ ही जी रहा है बिंदास। मतलब क्या है, वो जितना घबराहट नहीं, मेरा बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ सिखाते क्या है, वो कैसी स्कूल है, वहाँ का हाव भाव क्या है, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सभी देखते भी हैं। मगर ये स्कूल का एक अलग ही माहौल है, यहाँ पर एक ही परिवार की तरह सभी छात्राएं, चाहे लड़की हो लड़का हो, ये सभी छात्राएं एक दूसरे के एक परिवार की तरह जीते हैं। यहाँ का माहौल भी वैसा ही है, इसीलिए ये कार्यक्रम को हमने कन्नड़ में चलाया। बहुत लोगों की मांग थी कि कन्नड़ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको हिंदी में चलाओ, ये मांग हुई थी, इसीलिए हमने इसको दोबारा यानी कि अभी इसको भी एक बार से अंदर हम लोगों ने इसे वायरल करने का मन बना लिया। तो जेबीएम टीम ने इसे दोबारा वायरल करने की सोच ली और हिंदी में आपको हम इसका विवरण बता रहे हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है भाई बहनों का। तो एक वाक्य मुझे याद आता है, जब हम नाइन्थ में पढ़ते थे, नाइन्थ में पढ़ते तो एनसीसी के स्टूडेंट भी थे, कैडेट भी थे, तो एनसीसी कैडेट रहने के नाते तब एक सिरमौर सिंह और रणजीत सिंह ये दो नाम के सिपाही मतलब फौजी थे, हमें एनसीसी सिखाने के लिए आते थे।
तो एक दिन ऐसा ही बैठे बैठे एनसीसी के त्योहार, इसके एनसीसी के डे के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार था। तो उस समय में तो मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था तो उनको फौजी को एक पत्र आया था। वो फौजी ने, ये देखो हमारे पिताजी ने हमें पत्र लिखा है। तो हमने ऐसा समझा कि बताइए आप ये पत्र कैसे लिखते हैं, क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने पढ़कर सुनाया था, वो रक्षाबंधन के लिए मेरी बहन ने पिताजी से कही है कि पिताजी मुझे भाई से कह दो कि मुझे एक भैंस चाहिए। तो भैंस मतलब जो बहन मांगती है, अगर वो बता रहे थे कि अगर वो एक बीघा जमीन भी मांगती है तो हम दे देते हैं, बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था कि रक्षाबंधन का मतलब, वो एक दिन में 10 किलो दूध देने वाली भैंस को बहन के लिए दे दिया था। रणजीत सिंह और सिरमौर सिंह वो भी ये वीडियो देख रहे हो तो उन तक पहुंचे तो वो भी समझ जाएंगे कि वो कभी रामदुर गए थे कर्नाटक में, बेलगाम जिले के रामदुर शहर में, वो एनसीसी कैडेट के लिए सिखाने के लिए कमांडर बन के आए थे। ये भी एक संदेश अच्छा है, उनके तक पहुंच भी सकता है। बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और ये कार्यक्रम देखा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी समझ में क्या आया, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप अपनी समझ के हिसाब से हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को आप अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि एक हमारी संस्कृति को बचा के रखने का एक वायरल वीडियो हो रहा है ना। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं ये सभी तक पहुंचे, ये अच्छे कार्यक्रम है। देखिए स्कूल के वातावरण में कैसा होता है, वहाँ आपका स्कूल कैसा रहता है, ये तो आप देख ही रहे हैं, अभी चल रहा है सब। एक देखिए वो पांव छूकर अपनी बहन से वो दुआ कर ले रहा है, और एक उसकी रक्षा करने की एक कसम खा रहा है। ये कैसा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया है, इसीलिए इसको सब तक वायरल हो रहा है। ये हमको कन्नड़ में था इसीलिए वो हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत लोगों ने हमसे मांग की थी, इसीलिए हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेशन किया है। हमारी हिंदी थोड़ा कमजोर है, हो सकता है हमारे बोलने में कुछ आगे पीछे हुआ हो, तो आप समझदार हो तो समझ कर इस वीडियो को देख लीजिए। अब तक के लिए आपने देखा, धन्यवाद।